नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आपका आज की इस नई दी ऑटोमोबाइल जोन की वीडियो में, जहां मैं बात करने वाला हूं नई बेलेनो के बारे में। ये बेलेनो 2022 लॉन्च हुई है। ये इसका आज मैं जिस मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट तो नहीं बोलूंगा, बट इसका बेस मॉडल जो कि जनरली हर गाड़ी में लोग प्रेफर करते हैं, तो इसके बेस मॉडल की मैं आज बात करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। तो एज यूजुअल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चाबी से। ऐसी कुछ इसकी चाबी देखने को मिल जाती है, जिसमें दो बटन ही हैं, लॉक अनलॉक, जो बेसिकली पहले चाबी है। पहले क्या होता था, सेंटर लॉकिंग भी नहीं आती थी बेस मॉडल में, और फ्रंट टू पावर विंडोज आती थी। अब इसमें सेंटर लॉकिंग है, चारों पावर विंडोज देखने को मिल जाती हैं, और ऐसी कुछ चाबी है, सिंपल लॉक एंड अनलॉक के इसमें फीचर्स हैं। बात करें इसकी फ्रंट प्रोफाइल से, तो फ्रंट में बोनेट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया, मतलब पहले बोनेट जस्ट लास्ट तक आता था, अब इसके आगे थोड़ा सा ये पार्ट दिया गया जो थोड़ी अच्छी सी फील देता है इसको, मतलब थोड़ी सी इसको आगे से वाइड और थोड़ी ब्रॉड दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि इसको ना मैट ब्लैक में रखा गया है। जनरली क्या होता है, ग्लोसी ब्लैक में दे देते हैं ना, तो बाकी गाड़ी की ओवरऑल फील दब जाती है और वो गंदी हो जाती है थोड़े टाइम बाद। और इस पे ज़्यादा मिट्टी भी नहीं पकड़ेगा, मैट कलर है। यहाँ पे बड़ा बड़ा देखने को मिल जाता है सुजुकी का लोगो, जो कि आपको ये बताता है कि गाड़ी कभी भी खराब वगैरह नहीं होगी। अब मैं बात करूँ इसके हेडलाइट की, तो प्रोजेक्टर के अंदर हमें हेलोजन देखने को मिल जाती है, दोनों हाई बीम एंड लो बीम दोनों प्रोजेक्टर बेस में देखने को मिल जाती है। हेलोजन ही हमें इंडिकेटर एंड हेलोजन ही पार्किंग बल्ब में देखने को मिल जाता है। नीचे मैं बात करूँ तो फॉग लैंप इस वेरिएंट में हमें देखने को नहीं मिलता है, इससे अपर वेरिएंट्स में सीधा अल्फा में जाके ही हमें फॉग लैंप्स देखने को मिलते हैं, मतलब इसके जेटा तक भी फॉग लैंप्स नहीं आते इसके अंदर। बाकी काफी डिसेंट सी लगती है देखने में। एक चीज इसकी अप्रिशिएटेड है कि इसके अंदर हमें प्रोजेक्टर दिए गए हैं बेस मॉडल के अंदर, पहले वाली बेलेनो में रिफ्लेक्टर बेस्ड आते थे। बात करूं इसकी साइड प्रोफाइल से, तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले जो चीज आप नोटिस करेंगे वो है इसके 15 इंच के सिल्वर कलर में हमें अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। इन्हें आप इजीली ब्लैक पेंट करवा के ऊपर व्हील कवर लगा सकते हैं। 15 इंच का हमें टायर साइज देखने को मिल जाता है, 185/65 R15 का टायर साइज देखने को मिल जाता है, मतलब साइड प्रोफाइल अच्छी है, जिसके कारण जैसे जनरली हमें देखने को मिलता है कि बेलेनो के अंदर थोड़ा स्टिफ है सस्पेंशन सेटअप, तो साइड प्रोफाइल उसमें आपको हेल्प करेगी। टॉप मॉडल में आपको थोड़ा ज़्यादा स्टिफ देखने को मिलेगा इसका सस्पेंशन सेटअप। एक चीज़ और यहाँ पे मारुति ने कर दी इसको बेस मॉडल दिखाने के लिए, यहाँ पे हमें फेंडर के ऊपर इंडिकेटर देखने को मिल जाता है इसका। एंड नेक्स्टली अगर मैं बात करूँ तो ORVM हमें बॉडी कलर नहीं देखने को मिलता, प्लास्टिक के अंदर हमें ORVM देखने को मिलता है। इसके ऊपर भी कवर लग जाता है अगर आप लगवाना चाहें, पेंट हो जाता है। डोर हैंडल्स भी हमें ब्लैक कलर के देखने को मिल जाते हैं। ऐसा कुछ इसका मतलब डोर की फील है, मतलब पहले से तो थोड़ी ठीक लगी मुझे, पर मतलब पहले से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ तो किया ही है, गेट्स को थोड़ा सा हैवी किया है, पहले इतनी बदनाम है बेलेनो अपनी बिल्ड क्वालिटी को लेके, बट ठीक है अभी भी मतलब खाली बजती है, इतना भी नहीं बजती, मतलब थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा अगर आपने पहले वाली बेलेनो को अच्छे से, मतलब हमें तो फील होता है जो रेगुलर अलग अलग कार्स देखते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये क्वार्टर पैनल में अच्छी सी फिनिश देखने को मिलती है। पहले क्या था कि क्वार्टर पैनल सीधा आता था, अब यहाँ पे क्या एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप जो कि टॉप वेरिएंट में सिल्वर कलर मतलब क्रोम के अंदर आएगी वो देखने को मिल जाती है, जो कि मतलब थोड़ा सा ऐसे प्रोपोर्शनेट सी लगती है गाड़ी। बात करें इसकी रियर प्रोफाइल से, तो सबसे अच्छा लगता है इसके जो सी शेप दिए टेल लैम्प्स दिए हैं, तो थोड़े से मतलब अलग ही लगते हैं, मतलब हाँ दूर से देखने में आपको लगेगा कि ये बेलेनो है, पता चल जाएगा क्योंकि ज़्यादा चेंज नहीं किया, बट पहले क्या कि थोड़े गोल गोल से आते थे, अब हर चीज़ को ना शार्प करने की कोशिश की गई है होंडा की तरह, जैसे होंडा थोड़ी मतलब ऐसे शार्पनेस दिखाती है ना क्रीजेज वगैरह बना के, तो ऐसे कुछ क्रीजेज वगैरह ट्राई किया है मारुति ने भी बेलेनो के अंदर थोड़े शार्प लुक देने के लिए। बम्पर ये मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा लगता है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक ट्रीटमेंट दे देते तो इसकी जो बल्किनेस है वो थोड़ी कम लगती है हमें देखने को। पीछे हमें रियर डिफॉगर भी मिल जाता है बेस मॉडल के अंदर, वाइपर ऑल तो नहीं देखने को मिलता। हाई माउंट स्टॉप लैंप विद इंटीग्रेटेड है इसके अंदर स्पॉइलर के अंदर। एक चीज़ मुझे अजीब लगी कि जनरली मैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखता हूँ महिंद्रा XUV में भी, ये फाइबर का था, यहाँ पे ये लोहे का है, मतलब मेटल के अंदर देखने को मिलता है, मतलब उनसे थोड़ा सा स्टर्डी लग रहा है मुझे देखने में। बूट स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेंसर देखने को मिल जाता है, मतलब बेस मॉडल में आगे से नहीं खोलना पड़ेगा बूट वगैरह, बेसिकली वही मारुति की प्लास्टिक क्वालिटी जो कि अभी थोड़े टाइम बाद क्या अभी से ही थोड़ा 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 सा हिल रही है, तो थोड़े टाइम बाद ऑब्वियसली सूखने के बाद प्लास्टिक में प्ले आ ही जाएगा। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ तो लोडिंग लिप बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी लोडिंग लिप है इसके अंदर, लगभग मान लो 1 फीट से भी ज़्यादा लोडिंग लिप है। 330 लीटर का बूट स्पेस है, बूट स्पेस अच्छा खासा है, बट मैं जो चीज़ बोल रहा था ना कि पिछला बम्पर बहुत ऊंचा है, वो चीज़ यहाँ से एविडेंट है कि इतना यहाँ पे है इसका बूट, अंदर की साइड से इतना डीप है, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे हमें हाथ डाल के कोई भारी सामान उठाना हो तो कमर में झटका आ सकता है अगर थोड़े से एज्ड पर्सन उठाएं तो। यहाँ पे हमें वही इसको होल्ड करके खींचने के लिए बटन मिल जाता है, ये हैंडल सा, ये देखो
इसमें अभी से ही प्ले है, तो ये खड्डों में ऑब्वियसली बजनी है ना, मतलब ये चीज़ देखो आप, ये प्लास्टिक कैसी प्लास्टिक क्वालिटी मारुति यूज़ कर, पर वो ठीक है ना, इतने कम बजट के अंदर आपको ये 1.2 लीटर्स का ड्यूल जेट इंजन इसमें आता है। पहले इसमें वो आता था सिंपल, अब मतलब पहले ऐसा होता ना, चार सिलेंडर इंजन है तो चार इंजेक्टर आते थे वीवीटी के अंदर, अब ड्यूल जेट में कुछ नहीं किया, चार की जगह आठ इंजेक्टर लगा दिए ताकि इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ जाए एंड थोड़ा सा पावर एंड पिकअप भी इंक्रीज हो जाए। चार हमें रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं जो कि ऑडली प्लेस्ड हैं, जनरली यहाँ 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 होते हैं, इसमें दो ऊपर दे रखे हैं। ठीक है कि जनरली कोई ऊंचा ऑब्जेक्ट हो उसे भी ये ले लेंगे अपने एरिया में। यहाँ पे हमें नेक्सा की बैजिंग देखने को मिल जाती है, ये गाड़ी मुझे प्रोवाइड की है केपी ऑटोमोटिव्स में जो कि क्वींस रोड के ऊपर है वैशाली नगर के अंदर। आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, इंक्वायर कर सकते हैं एंड बलेनो की बुकिंग के रिगार्डिंग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ था न्यू बलेनो के एक्सटीरियर्स में, अब चलते हैं बलेनो सिग्मा के इंटीरियर्स में। सबसे पहले मैं बात करूँ ड्राइवर साइड डोर की, तो ठीक है फील एंड फिनिश अच्छी है, पहले से तो थोड़ी ठीक लग रही है, मतलब इसमें वेट वगैरह कुछ किया ही है इन्होंने। एंड एक चीज़ जो मुझे चेंज देखने को मिल जाती है कि बेस मॉडल के अंदर पहले सिर्फ फ्रंट टू पावर विंडोज़ आती थी, अब पीछे की भी पावर विंडोज़ आने लगी, क्योंकि पहले ऐसा होता था जिसने बेस मॉडल ले लिया उसे बाहर से काम करवाना ही करवाना पड़ता था, बट अब ऐसा नहीं है। सेंटर लॉकिंग भी देखने को मिल जाती है, पावर विंडोज़ भी देखने को मिल जाती है, नॉर्मल लॉक अनलॉक भी इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें फैब्रिक की फील दे रखी है, डेल्टा से जेटा तक भी यहाँ पे फैब्रिक की फील है, सिर्फ अल्फा के अंदर हमें यहाँ पे लेदर फिनिश देखने को मिल जाती है। इंटीरियर से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे वही सेम प्लास्टिक, मारुति वाला जो स्विफ्ट वगैरह सब में पार्ट शेयरिंग होती है वही सेम प्लास्टिक क्वालिटी है। यहाँ पे हमें सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाती है, मतलब ये डिप पेंट करवा रखा है, ग्लॉसी डिप पेंट है सिल्वर कलर का। यहाँ पे हमें कार्बन फाइबर के अंदर फिनिश देखने को मिल जाती है एंड ये कुछ ऐसा इसका एसी वेंट है जिसका फ्लो आप यहाँ से रेगुलेट कर सकते हैं। नॉर्मल बेसिक कंट्रोल है, ऑटो हाइब्रिड के साथ आती है, वही क्लच दबाओगे रेड लाइट पे ऑफ हो जाएगी, क्लच दोबारा दबाओगे तो स्टार्ट हो जाएगी, आप मूव ऑन कर सकते हो। एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हैं, यहाँ से बूट खोल सकते हैं, यहाँ से फ्यूल लिड को आप ओपन कर सकते हैं। ऐसे कुछ इसके पेडल्स देखने को मिल जाते हैं, डेड पेडल में भी, बेस मॉडल में भी डेडिकेटेड रबराइज्ड मैट लगाया, एक चीज़ अच्छी लगी मुझे, बट ये थोड़ा सा ऐसे है कि थोड़ा सा मतलब स्पेस कम ही लगा मुझे, अदरवाइज क्लच वगैरह बहुत लाइट है। इनमें हाइड्रोलिक क्लच आने लग गया, पहले क्या होता था कि डायरेक्ट क्लच बाय वायर आता था पेट्रोल इंजन में, जनरली आता भी है मारुति की सभी गाड़ियों में, इसमें हाइड्रोलिक क्लच दे रखा है। ऐसा कुछ इसका ब्रेक पैडल एंड एक्सेलरेटर पैडल देखने को मिल जाता है। तो बात करूं मैं इसके बलेनो के स्टेयरिंग के, तो ये वही पार्ट शेयरिंग है सेम मारुति के, जो अंदर जो एलएक्सआई में हमें देखने को मिल जाता है डिजायर वगैरह में वो सेम स्टेयरिंग है। थोड़ा सा ये उसका बड़ा लग रहा है मुझे हॉर्न वाला पैड, जो कि अच्छी बात है, पहले थोड़ा छोटा आता था तो मतलब ऐसे दबाने में इशू आता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टेयरिंग की तो ये सिर्फ टिल्ट देखने को मिल जाता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। हेडलाइट के नॉर्मल वही जो स्टॉक्स रहते हैं, बेसिकली पार्किंग बल्ब एंड मेन बल्ब, नॉर्मल डिपर एंड यही सिंपल इसके हेडलाइट के कंट्रोल हैं, ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है। इस साइड हमें वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, नॉर्मल वही जो वाइपर्स हमें देखने को मिलते हैं, मतलब वही जो मारुति में हमेशा से, इसको अपनी तरफ खींच के रखोगे तो स्प्रे वगैरह होगा वही है। एंड ये ऐसी कुछ चाबी है, इसको यहाँ पे हमें की होल में इंसर्ट करना है, जैसे हम की थोड़ा सा दबा के ऑन करेंगे ऐसी कुछ इसमें MID देखने को मिल जाती है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे और अच्छी लगी कि जो MID है वो हमें बेस मॉडल की तरह बिना टैकोमीटर की नहीं दी गई, सुना मारुति ने इस बार इंडियंस की नीड को और टैकोमीटर भी दिया है, साथ ही साथ सेंटर में डिजिटल वो भी देखने को मिल जाती है हमें स्क्रीन, जिसमें हमें नॉर्मल ट्रिप वगैरह के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, कितनी गाड़ी चली है ट्रिप पे, ट्रिप भी, रेंज वगैरह एंड कितनी माइलेज ये दे रही है। और यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर के, मतलब जब सेंसर ऑन होगा, जैसे मैं गियर लगाता हूँ तो यहाँ पे जो सेंसर वगैरह है वो ऑन होगा कि इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट है। बात करूँ इसके सेंटर कंसोल से, तो बेस वेरिएंट है सिग्मा, तो आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल जाता यहाँ पे टू डिन वगैरह, क्योंकि मारुति को पता है अगर मैंने टू डिन दिया तो भी लोगों ने निकलवा के लगवाना, तो एंड्रॉयड प्लेयर है, स्क्रीन लगवानी है, रियर पार्किंग कैमरा लगवाना है, तो किस लिए उनको उस बात की कोस्ट देनी पड़े। एक चीज़ अच्छी लगी कि कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे, यहाँ पे नॉर्मल एसी वेंट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बेस मॉडल के अंदर, मारुति से अनएक्सपेक्टेड था, दिया मारुति ने, बहुत अच्छी बात लगी, बहुत अच्छा टच है। यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है इसका ऑटो एसी जो, और उसके नीचे देखने को मिल जाता है हमें 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे इन्होंने खुद से ही ढक्कन दे दिया कि जब आप इसमें कुछ लगवाओ स्क्रीन वगैरह, तो उसके लिए एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे आप छेद निकाल के और आराम से यहाँ पे वो USB का कनेक्टर लगा सकते हो। दो कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए देखने को मिल जाता है, इजीली आपका फ़ोन आ जाएगा, बहुत बड़ा फ़ोन है मेरे साइज़ का, ये देखो आराम से फिट हो गया। एंड थोड़ा सा रबराइज्ड नहीं है ये, वो आप मैट लेके लगा ही सकते हो। यहाँ पे वही सेम हमें मतलब बिना क्रोम का फिनिश का गियर लीवर देखने को मिल जाता है, वही 5 स्पीड का गियर बॉक्स इसके अंदर देखने को मिलता है जो डिज़ायर स्विफ्ट और सब में देखने को मिलता है।
एंड इंजन की कोई रिलायबिलिटी का कभी भी कोई इशू ना रहा था ना होगा, क्योंकि इंजन के कारण, लो मेंटेनेंस के कारण ही तो ये गाड़ी बिकती आई है। यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है कार्बन फाइबर की फिनिश दोनों साइड, एंड यहाँ पे सेंटर में हैंड ब्रेक और आर्मरेस्ट वगैरह नहीं देखने को मिलता, बट हाँ स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है। IRVM इसका मैनुअल दे रखा है, स्विचिंग डे एंड नाइट। एंड सनवाइजर्स की मैं बात करूँ तो अपना काम, मतलब ये आधे से भी छोटे हैं ये, जहाँ पे इसको काम करना चाहिए। तो इसको एक्सटेंडेबल दे सकती थी, बट बेस मॉडल है तो मैं भी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता मारुति को इस मामले में। और दो एयरबैग इसके अंदर देखने को मिलते हैं जो कि स्टैंडर्ड हैं। यहाँ पे भी वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता। ग्लो बॉक्स की मैं बात करूँ तो ठीक है, डिसेंट साइज़ का ग्लो बॉक्स है, कूल्ड वगैरह तो नहीं है ये, बट ठीक है डिसेंट है। और ये मेरा आई व्यू है एग्जैक्ट ना, तो बोनेट वगैरह तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दिखेगा। वाइपर ज़रूर दिखता है यहाँ से, ये दिख रहा है वाइपर एग्जैक्ट इस जगह मुझे दिख रहा है। हल्का सा वाइट कलर का आपको टच दिखेगा, हल्का सा अगर आप ऊपर उठेंगे तो आप देख सकते हैं, ये बस इतना टच दिखता है, बाकी कोई इतनी भी मतलब लो सीटिंग नहीं है इसकी, ठीक ठाक सी सीटिंग है। एंड डिज़ायर की मुझे थोड़ी सी बेटर लगती है इस कंपैरिजन में, मारुति की है दूसरी गाड़ी वो भी। तो बस ये सब कुछ थे मेरे इंप्रेशंस फ्रॉम द ड्राइविंग सीट ऑफ द न्यू बलेनो। और अभी जो ड्राइविंग सीट है वो मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया, मतलब अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में जहाँ पे मैं इसको ड्राइव करूँगा। अब मैं बताता हूँ कि रियर सीट में मुझे कितना स्पेस देखने को मिलता है। तो अभी मैं आ चुका हूँ बलेनो की रियर सीट में, तो जो फ्रंट ड्राइविंग सीट है मैंने अपनी ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रखी है। तो अब रियर सीट में मुझे अच्छा खासा तो लेग रूम देखने को मिल रहा है, एंड हेडरूम भी डिसेंट है, मतलब ठीक देखने को मिल रहा है, इतना कम भी नहीं है। और इसमें सारी फैब्रिक सीट्स देखने को मिलती हैं, तो मतलब वो ठीक सी फील करवा रही है, मतलब इतना भी गंदा फील नहीं करवा रही, अच्छा फील है, मतलब अच्छा टच लगा। यहाँ पे मुझे फ़ोन वगैरह रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे मुझे फिर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट देखने को मिल जाता है जो टायर इन्फ्लेटर वगैरह के लिए काम आएगा। यहाँ पे फिर हमें स्पेस देखने को मिल जाता है, स्पेस ही स्पेस हर जगह, हर गेट में बॉटल होल्डर वगैरह देखने को मिल जाते हैं 1 लीटर के, काफ़ी प्रैक्टिकल बनाया है इस वेरिएंट को। सेंटर में कैबिन लाइट देखने को मिल जाती है, और अगर आपको सिटी में यूज़ करनी है तो आपको इसके अलावा कौन सी गाड़ी बेटर रहेगी। स्पेस भी अच्छा है, सब कुछ चीज़ें हैं। रेट भी इसका 6,34,000 भी की आती है, एक्स शोरूम प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। ऑन रोड समवेयर अराउंड आपको 7-7.5 की पड़ेगी ये। 3 pointer सीट बेल्ट तीनों पर्सन के लिए देखने को मिल जाते हैं, एंड सेंटर में भी इसमें मेरे सिर ऊपर नहीं टच हो रहा, जो कि जनरली डिज़ायर वगैरह में होता है। और बहुत कुछ नहीं लग रही है भाई मुझे ये सीटें, पता नहीं क्यों, नई नई गाड़ी है पर इसका कुशन बहुत अच्छा लग रहा है। अगली सीट में बोल्स्टर सपोर्ट भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है मुझे। पीछे सारे फिक्स्ड आर्मरेस्ट हैं, सिर्फ फ्रंट दो एडजस्टेबल दे दिए मारुति ने बेस मॉडल के अंदर। अब बिग थम्स अप टू मारुति बेस मॉडल के लिए, मुझे तो बहुत वैल्यू फॉर मनी लगा ये। अब बिल्ड क्वालिटी वगैरह चीज़ें अपने साइड रखते हैं, तो जनरली इनकी रिफाइनमेंट इतनी अच्छी है, गाड़ी स्टार्ट है पता नहीं चलता गाड़ी स्टार्ट है। सेकेंडली माइलेज अच्छी देती है, हर चीज़ ही अच्छी करती है, स्पेस इतना अच्छा देती है, तो मतलब ज़्यादा पैसे अगर आपको नहीं लगाने और आपको अपना काम ही चलाना है तो मारुति उसमें बेस्ट है। क्योंकि मारुति अगर आप चला ली तो आपको ये फील नहीं होगा कि कुछ मतलब ऐसे, मतलब ड्राइविंग प्लेजर के लिए नहीं जानी जाती, प्रैक्टिकलिटी है इस गाड़ी में, कोई कुछ भी कहे टीन का डिब्बा, प्रैक्टिकलिटी है। इस टाइप की अगर आपको काउंसलिंग चाहिए कि आपको कितने पैसे इस प्राइस ब्रैकेट में, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है तो कौन सी गाड़ी मेरे लिए बेस्ट होगी, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे DM कर सकते हैं। काइंडली प्लीज़ कॉल मत कीजिए, क्योंकि ये नंबर ऑफिशियली कंपनी का रजिस्टर्ड नंबर है, तो बारी बारी आप कॉल करते हैं तो मैं सबका फ़ोन नहीं उठा सकता। मुझे व्हाट्सएप कीजिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, या फिर मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कर दीजिए। अगर आपके पास कोई गाड़ी है जिसका आप ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके अपनी गाड़ी की डिटेल्स बता सकते हैं। तो ये सब कुछ थे मेरे इंप्रेशंस बलेनो के बारे में जो कि मारुति ने लॉन्च की है। मतलब थोड़ी सी ना मुझे उसके कंपेरिजन में थोड़ी कॉम्पैक्ट लगी, वो थोड़ी खुली खुली लगती थी अंदर से। ये हो सकता है कि थोड़ा रात का टाइम है और थोड़ा ब्लैक इंटीरियर है तो भी हो सकता है, वहम भी हो सकता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील, बट थोड़ी सी मुझे उससे कॉम्पैक्ट लगी, अदरवाइज परफेक्टली फाइन। मतलब ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि शीशा स्लोप ज़्यादा की है तो शीशा नज़दीक आ गया पिछले वाला, ये पीछे वाले एंड मतलब बूट वाला गेट थोड़ा नज़दीक आ गया। ये चीज़ें हैं जो जनरली कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसा मेरे को फील होता है एग्जैक्टली, क्योंकि रिव्यू करने का ये मतलब नहीं कि हम चलता फिरता ब्रोशर हों, डिजिटल ब्रोशर। ये चीज़ें मतलब प्रैक्टिकल आपको बताना है कि कौन सी चीज़ कैसी लगती है। अब आप आके फीचर्स पढ़ दो कि 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, ये हमें ये देखने को मिल जाता है, उसका क्या मतलब है। प्रैक्टिकल रिव्यू तो प्रैक्टिकल ही रहता है। इस वजह से मुझे काफ़ी ब्रांड्स गाड़ी वगैरह भी नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता देता हूँ कि जो चीज़ नेगेटिव है, जो है, जो फील किया है मैंने अदर कार्स के कंपैरिजन में, वो मैं बताता हूँ। तो अगर आपके पास कोई गाड़ी है आप मुझे प्रोवाइड कर सकें शेयर कर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ताकि मैं रिव्यू कर सकूँ, तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। अब बात कर लेते हैं बलेनो की इंजन की।
बाकी सब कुछ तो ठीक है इस इंजन के बारे में, सब कुछ पता है आपको, कुछ बताने वाली बात है नहीं। बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी माइलेज निकालता है, बहुत रिलायबल है, अच्छा खासा टॉर्क है, जडर वगैरह नहीं करती, फोर सिलेंडर इंजन है, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकली पता है। ये तो नहीं तो वो जो वीडियोस बनाते हैं डिजिटल ब्रोशर की, ब्रोशर पढ़ के बताते हैं, उन्होंने आपको बता ही दिया होगा कितने बीएचपी और कितना टॉर्क निकालता है। तो ये सब कुछ इसके इंजन बे के बारे में है। एंड अच्छी फील देता है थोड़ी सी, जैसे मैंने बंद किया ना तो रबड़ वबड़ अच्छा लगा रखा है, मतलब थोड़ा सा अच्छा फील किया यूजुअली बलेनो के कंपेरिजन में। तो ये सब कुछ थे मेरे इंप्रेशंस अबाउट न्यू बलेनो सिग्मा वेरियंट। 634,000 रुपये का आता है एक शोरूम। एंड अगर आपको परचेज करना है तो रेडी टू अवेलेबल, आप विजिट कर सकते हैं KP ऑटोमोटिव्स डीलरशिप पे। एंड अ वेरी बिग थैंक टू मिस्टर विक्रांत सर, उन्होंने हेल्प की मुझे गाड़ी शूट करने के लिए।